आओ आपको एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है उस देश की जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस देश के पास सब कुछ था, दौलत, शौहरत, मान सम्मान, परिवार, संस्कार। उस देश के पास अपने सपने थे, लेकिन उसके सपनों को उसके अपनों ने ही तोड़ दिया। वहाँ रहा ना जल पीने लायक, वायु ना जीने लायक। भारत, हमारा भारत हो रहा था बंजर, कैसा था ये मंजर। कूड़ेदान बन रहा था भारत, नहीं मिल रही थी कोई राहत। लुप्त हो रहे थे वन जंगल, गुम हो रहे थे प्राणी। गंदी हो रही थी नदियाँ, फिर भी कर रहे थे मनमानी। साल पर साल कई गुजरे, हर साल में मन भर आया। आस बांध पीत गए सब, पर मेरा देश सुधर न पाया। पर है मेरे दिल में आज अभी, जिसके सहारे चल रहा हूँ मैं भारत, मैं भारत, अपनी स्वच्छ पावन पहचान ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या दूसरे देशों की स्वच्छता को देखकर भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? पर मेरा देश अभी भी इंतज़ार में कि शायद भगवान जी आएंगे और हमें सबक सिखाएंगे, और उसके बाद ही काया पलट होगी। श्री रामा, प्रभु श्री रामा, तोगड़प्पा नहीं वे देशवी कस्तु, इधर पंचामृता, इधर ये ला। पर दोस्तों, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें देश को बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। इस मुहिम में साथ देना होगा, साथ खड़े होना होगा। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत हो अपना, मिलके कहना है स्वच्छ भारत हो अपना। एक ही सपना है स्वच्छ भारत हो अपना, मिलके कहना है स्वच्छ भारत हो अपना। ये गुलिस्ता है अपना, इसको सजाएंगे, खाब जैसा बना। अरे भाई मुझे दिखता है सब, मैं जा सकता हूँ अपने यहाँ। अच्छा, आपको दिखता है? नहीं सर, आपको क्या इतना बड़ा डस्टबिन नहीं दिखा, तो मैंने सोचा शायद आपकी नजरें कमजोर होंगी। नहीं, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने।